Please subscribe to KidZone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Everyone go! इससे पहले कि ब्लैक रीफ यहाँ पहुंचे और बहुत देर हो जाए. Go! Come on! Okay. चलो! Let's go! मेरे साथ रहना जुनागोस. Blue City versus Red Hot Part 1. ये जेसन कहाँ रह गया? मुझे नहीं मालूम. मैं समझा कि तुम्हें पता होगा शायद. नोट करते जाएं, कल का होमवर्क है ये. इस वक्त कौन से काम में मसरूफ है वो? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? सॉरी, मुझे देर हो गई. आज भी अलार्म नहीं बजा होगा. सर, कोई बहाना नहीं आज. अच्छा है नहीं है, वरना आज तुम्हें सजा मिलती. जानता हूँ. ओके दोस्त, मैजिक कार लाए हो ना अपने साथ? वो क्या बात है जेसन, काफी अपसेट लग रहे हो. नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है. अब जरा काम की बात कर लेते हैं. उस मैजिक कार का क्या हुआ जो तुम्हें मिली थी? मैं जानता हूँ तुम उसे साथ आए हो, जल्दी से दिखाओ. क्या हो गया तुम लोगों को? मैजिक कार जैसी कोई चीज नहीं है. जेसन, आर यू श्योर तुम ठीक हो? लेकिन हुआ क्या है, कुछ तो बोलो. कुछ नहीं हुआ है यार, तुम लोग कोई और बात नहीं कर सकते हो क्या? ओह कम ऑन, अब तो मुझे भी जानना है. जल्दी से बताओ तुम्हें मैजिक कार मिली या नहीं, हमसे वेट नहीं हो रहा. कम ऑन जेसन, मैं तुमसे कब से पूछ रहा हूँ, लेकिन तुम अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो आज? छिन गई है. हाँ, मैजिक कार थी मेरे पास, लेकिन अब नहीं है. ओके जेसन, रुको, भाग गया वो. कार खो गई इससे. ऐसे ही लग रहा है. तुम क्या समझ रहे थे? उफ जेसन, तुम किसी चीज के बारे में कुछ नहीं जानते. जब तुम हारे थे उसी वक्त तुमने अपना मकार्डिमल खो दिया था. इजाबेल, रायन ने बताया कि तुम मेरी दुश्मन हो. उसके प्रस्पेक्टिव से ये बात बिल्कुल सही है शायद. जेसन, जिस दुनिया से वो और मैं आए हैं वहां सिर्फ दो कौमें हैं, ब्लू सिटी और रेड हॉल. 3 साल पहले ये दोनों कौमें एक ना खत्म होने वाली जंग में मसरूफ हो गई थी, लेकिन फिर मकार्डिमल्स की कोशिशों की वजह से इस जंग का खात्मा हो गया और आखिरकार सीज फायर का फैसला किया गया. इस तरह हमारे कौमों में ट्रस्ट बहाल होने लगा. लेकिन फिर भी मैं ब्लू सिटी से हूँ और रायन रेड हॉल से. पुरानी नफरतों की वजह से वो अब भी मुझे दुश्मन समझता है. पता नहीं, लेकिन जब वो ये बात कर रहा था तो उसका लहजा अजीब सा था, जैसे कि तुम मकार्डिमल्स की दुश्मन हो. सुनो जेसन, अगर तुम्हें एवन चाहिए तो इस बार तुम्हें हारना नहीं बल्कि जीतना होगा. हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे मकार्डिमल चाहिए, वरना मैं कैसे लड़ूंगा. हे वेट, तुम्हारे पास भी तो एक मकार्डिमल है, क्या मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या हम इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हैं? सही टाइम पे याद आया, कहाँ है मकार्डिमल? ऐसा नहीं हो सकता. तुम किसी और का मकार्डिमल इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसके लिए तुम्हें टेरो को लड़ाई में हराना होगा. एंड दैट्स नॉट हैपनिंग. ओके, तो फिर मैं क्या करूँ? बहुत से ऐसे मकार्डिमल्स हैं जिनका कोई पार्टनर नहीं है. तुम्हें किसी एक को ढूंढकर उसे टेम करना होगा. लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा करना मेरे लिए आसान नहीं होगा. इंसान तो हर वक्त कोशिश में लगे रहते हैं, इसलिए कहलाते हैं अर्बन लेजेंड्स. अर्बन लेजेंड्स? जेसन, ये एक सच्चाई है. आर यू श्योर तुम ठीक कह रहे हो? मेरे अंकल कह रहे थे कि उन्होंने दरिया के पास एक मैजिक कार देखी थी. और ये भी सुनो, केविन के अंकल ने एक ऐप बनाई है जिससे ये चीजें ट्रैक हो जाती हैं. ये यानी मेरा काम हो गया. थैंक यू सो मच इजाबेल. बाय इजाबेल, विश मी लक. जेसन, एक बात और. ये क्या है, ब्लैंक मेकर्ड? तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी मकार्डिमल को टेम करने के लिए. ग्रेट, थैंक्स. मैं मकार्डिमल को टेम कर लूंगा. बस एक बार वो मिल जाए, फिर इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं जानता हूँ.
क्या ये वही है जिसे ढूंढने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है? मेरे लिए यकीन करना मुश्किल है। क्या तुम्हें लगता है ये मकाडमल को टेम कर सकता है? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन टेरो, अगर वो हमारे प्लान का हिस्सा है तो हमें उसकी मदद करनी होगी। मुझे इसके इरादे मजबूत लग रहे हैं। अच्छा होगा अगर ये कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करें। वाओ, इसने भी मैजिक कार हाईवे पे देखी है और रेसिंग में भी टाइटल जीता है। इन साहब ने भी मैजिक कार देखी है गुआनिक माउंटेन पर, और ये तो यहाँ से दूर भी नहीं है, मुझे जाना चाहिए। ऑलराइट अल्टा, मेरा ट्रैकर इस जगह पर एक मकाडमल शो कर रहा है। ओके, मैं जाकर देखता हूँ उसे। वो तेज रफ्तार है, क्या तुम उसे हरा सकते हो? बिल्कुल हरा सकता हूँ। यही तो मैं सुनना चाहता था। ऑलराइट, जाओ उसे हासिल करो अल्टा, तुम ये कर सकते हो। काफी तेज हो, वेरी गुड, तुम्हें तो हमारी टीम में होना चाहिए। यू आर राइट, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। हे, स्पीड तो कम करो। ये कम नहीं हो सकती। ऑलराइट, मगर एक चीज है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए स्टॉप। अगर तुम मुझसे बेहतर हो तो साबित करो, और हार गए तो हमें ज्वाइन करना होगा। अगर तुम्हें हारने की इतनी जल्दी है तो मुझे क्या है? मैं भी तुम्हें मजा चकाने के लिए बेसब्र हो रहा हूँ। तो फिर हो जाए, देखते हैं कौन किसे मजा चकाता है। तुम्हारे गेर तो अभी से फंसने लगे, याद रखो तुम मेरे साये तक भी नहीं पहुंच सकते। अभी तो खेल शुरू हुआ है, देखते हैं। गो! तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। बस कुछ देर की बात है, फिर देखना क्या होगा। मैं अब जीत से बहुत करीब हूँ बेबी। Go away! Hey! I'm sorry. मैं जीत गया, अपनी नई टीम में वेलकम। ये तो बिल्कुल गलत है, मुकाबला फेयर नहीं था, ये दोबारा होना चाहिए। तुमने कहा था कि अगर रेस हार गए तो हमारी टीम ज्वाइन कर लोगे, और रेस के फेयर होने की कोई बात नहीं हुई थी। देखा जाए तो तुम दोनों ही ठीक हो। Teaming on. शोमा, अब तुम हमारी टीम का हिस्सा बन गए हो। ओके, मैं अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब पहुंच गया हूं। हमारे पास कुछ नई खबरें हैं सर। वेरी वेल, जल्दी सुनाओ। खबर यह है कि रेड हॉल का राइन जमीन पर है, वो मिलने वाले हर मकाडमल को टेम कर रहा है। क्या भी ठीक कह रहा है सर, उसके पास एक गैजेट भी है जिसकी मदद से वो मकाडमल्स को ढूंढ लेता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? अब जरा गौर से सुनो, फॉलो जेसन, उसे मकाडमल टेम करने दो, फिर हम उससे मकाडमल छीन लेंगे। अगला स्टॉप योनिक माउंटेन। वाओ, ये तो वाकई बिग माउंटेन है। शायद इसीलिए इसका नाम गुआनिक हिल नहीं रखा गया। चलो अब मकाडमल को ढूंढते हैं। हे अल्टा, शुमा, तुम दोनों में से कोई टोनाटोस नाम के मकाडमल को जानता है? कौन है वो? वो मेरा भाई है। मैं नहीं जानता, क्या तुम जानते हो शुमा? हाँ मैं जानता हूँ, टोनाटोस और मैंने कई मिशन एक साथ किए हैं। ही इज अ गुड गाय, लेकिन मैं यहाँ जब से जमीन पर आया हूँ मैंने उसे नहीं देखा। आई सी, वो कहीं सेफ ही होगा। आई होप सो। Everyone go! इससे पहले कि ब्लैक रीफ यहां पहुंचे और बहुत देर हो जाए। Go! Come on! Move on! Let's go! मेरे साथ रहना चुनाव।
हमें ब्लैक रीफ से बचने के लिए जमीन पर भेजा गया था, मगर इस प्रोसेस में हम सब अलग हो गए। Hey, Junatos! वो किसी प्रॉब्लम में हो सकता है। इस वक्त मेरे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ उसे ढूंढना है। नो प्रॉब्लम। मैं तुम्हारे भाई को ढूंढूंगा एविन, ना सिर्फ तुम्हारे भाई टोनाटोस बल्कि दूसरे तमाम मकाडेमस को भी। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update.